ये जिम की सबसे बढ़िया खासियत ये है कि सुमीर भाई उनको भी अलाउ करते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ओके गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। सुबह के बज रहे हैं 8:00, हमको जाना है कॉल टाइम है 8:30 का, तो वी हैव टू बी देयर। और जैसे आप देख रहे हो सारी पैकिंग हो गई है, आधा सामान ऑलरेडी डाउन है क्योंकि कल शूट के बाद इतना थक गया था कि भाई क्या ही बताओ, इतना थक गया था कि बैग लाने के ऊपर हिम्मत ही नहीं, और वैसे भी सुबह वापस लेके जाने का था, तो मैंने बोला गाड़ी में रहने दो, तो गाड़ी में शूट सामान रह दिए और जो बचा हुआ सामान था वो भी लेके अब जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम चेकआउट कर रहे हैं लेकिन हम दुबई से चेकआउट नहीं कर रहे, वी आर गोइंग टू सम अदर प्लेस टू स्टे, क्यों काय को वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए बहुत लेट हो रहा है क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, सुबह तो हुई है कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं, और ये फोन आ गया है, तो आई विल सी यू एट द लोकेशन। 10 का नया नोट, जूना देखो, जूना ऐसा पेपर था, ये प्लास्टिक जैसा लगता है, लुक एट द डिफरेंस। थैंक यू ब्रदर, एंड वी हैव रीच्ड अ डिफरेंट लोकेशन, और ये थोड़ा एक्साइटिंग होने वाला है, लेकिन टीम अभी तक आई नहीं है, मैं वक्त से पहले पहुंच गया हूँ। कितना अच्छा इंसान हो देखो, मैं वक्त से पहले आ जाता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए वक्त से पहले आया बिकॉज मुझे लगी थोड़ी सी भूख, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। अब मैंने सोचा कि मैं किधर उधर रुकूंगा और खाने बैठ जाऊंगा, और उसके बाद मैं कभी रास्ते में एक आध एग्जिट मिस हो गया फिर मैं लेट हो जाऊंगा, तो पूरा प्लान मेरे ऊपर आएगा। इसके लिए मैंने बोला पहले लोकेशन पे पहुंचते, लोकेशन के आसपास कोई भी स्टार बस टीम होटल कुछ भी मिल जाए वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा लाइट ब्रेकफास्ट और कॉफ़ी पी लेंगे। मैंने सर्च किया स्टारबक्स नियर मी और मुझे दिखा रहा है लेफ्ट में बस अलग, ये पूरी यूनिवर्सिटी घूम गया, और मुझे सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा है कि दिस इज़ ओनली फॉर स्टूडेंट। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ इसके अंदर में स्टारबक्स होगा, इसके लिए दिखा रहा है, बट दैट्स ओनली फॉर स्टूडेंट। हमने भी कैफे मिला है, इट्स कॉल्ड कैफे इटालियानो, और शशि का बोल रहा है मॉर्निंग कार्डियो क्यों करवा रहे हो सर, कुछ खिला दो। तो होपफुली ये खुला होगा और कुछ खाने का मिल जाए। भाई ये क्या है मेरे आते साथ इतनी गर्मी दुबई में, क्या 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 इतना अच्छा था, दो दिन से गर्मी हो गई एकदम, तो मैं आता हूँ तो आग लगा देता हूँ ना, तो आग लगेगी तो गर्मी होगी। आई लव योर एलवी ब्रो, नाइस, थैंक यू। इंडिया में कभी नसीब ही नहीं हुआ, पीस हमारे भाई की है, पीस ड्वेन जॉनसन को देखता था मैं ऐसा। ये ना करीम वरीम वाली पब्लिक देखी नहीं है, बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ी गाड़ी, हाँ तो मैंने मेरे जैसा तो वैसे तो रोज फाइन खाया उस पर। नहीं भाई इस पे ना क्या है, मज़ा क्या है मालूम है, रोड प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, समझे कि नहीं। अरे भाई लेकिन जिसको रास्ता नहीं पता है, हाँ टर्न नहीं पता, हाँ। है वो तो साला हर बार 10 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, हर बार लाइन लेन तोड़े गए ना वो। वी आर गोइंग फॉर द लोकेशन टू, और कुछ दिखा दो आप लोगों को, देखो पार्किंग कितनी है, दुबई मॉल फैशन पार्किंग इतनी है, दुबई मॉल अदर पार्किंग होती है, ये यानी बता रहा है कि इतनी पार्किंग खाली है, तो ये साइन बोर्ड पे बता रहा है कि अंदर में इतनी पार्किंग खाली है, कितना अपडेटेड है दुबई। बहुत थक गए भैया, बहुत थक गए, कॉफी वॉफी पिला दो यार। प्रॉपर लाइफस्टाइल पिक्चर था डॉगी के साथ, यानी लाइक दैट्स अ डोप। ओके तो सुबह हमने होटल चेकआउट कर लिया क्योंकि हम जा रहे हैं अब अपार्टमेंट में रहने, मैंने एयरबीएनबी बुक किया हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल एयरबीएनबी है, सो अभी मैं यही लोकेशन ढूंढ रहा हूँ, मुझे मैप के थ्रू जो आया था
मुझे पता नहीं है बिल्डिंग की एंट्रेंस किधर से है। और ये दिखा रहे हैं लोगों को म्यूजियम, क्या दिखा रहे म्यूजियम ऑफ फ्यूचर दिखा रहे। हमारे साथ में इतना गंदा सीन हो गया, क्या बताओ तुम लोगों को। ऐसा गंदा सीन आज गजब बेइज्जती हो गई है, बता दो तुम लोगों को स्टोरी। क्योंकि अभी देखो बहुत ट्रैफिक है और बहुत टाइम है अपने पास में, तो मैंने बोला चलो तुम लोगों को बता देता हूँ क्या सीन हो गया। सीन ये हो गया कि हमको, मैंने एयरबीएनबी बुक किया था, मैंने सिर्फ पेमेंट किया था और मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था, वो लोग मेरे को लोकेशन भेजी है, लोकेशन है, मैं दुबई मॉल के पास था, उन लोग से परेशानी से बोल रहा हूँ भाई लोकेशन भेजो। वो लोग ने मुझे लोकेशन भेजे मरीना का। मैं बोला अरे भाई क्या मस्त अपार्टमेंट है, क्या लोकेशन है, लेकिन बहुत दूर है। मरीना पहुँचने में मुझे लग गया 30 मिनट। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे बोले कि चाबी दरवाज़ा खुला होगा, क्योंकि एयरबीएनबी में नॉर्मली ऐसे ही होता है, बट वहाँ दरवाज़ा नहीं खुला था। मैंने बोला भैया दरवाज़ा नहीं खुला है, फिर उनसे हुज्जत करने के बाद में उन्होंने बोला गिव अस सम टाइम। मैं बोला कोई बात नहीं भाई, चलो हम जाते हैं, क्योंकि मुझे जाना था मीट एंड ग्रीट के लिए गरुद। अभी गरुद किधर है, ये जो दुबई में रहता है उसको पता है, तो गरुद जाना था। तो मैं मरीना से गरुद के लिए निकला, जो रास्ता 35 मिनट्स का, आज उसको 1 घंटा लग रहा है, बिकॉज आज कुछ प्रॉब्लम हुआ है शेख जायद रोड पर। खैर ये हो गया। अभी मुझे पता चलता है कि उन बेवकूफ़ों ने कोई गलत बिल्डिंग का एड्रेस दे दिए थे मेरे को। एक्चुअली दोनों फ्लोर सेम थे, बिल्डिंग अलग थी, और जो मेरी बिल्डिंग थी वो बिल्डिंग थी डाउनटाउन में। क्या बोल सकते बताओ। तो अभी हम लोगों को बिल्डिंग का लोकेशन आ रहा है, लेकिन फिलहाल मैं जा रहा हूँ गरुद, क्योंकि हमें करना है मीट एंड ग्रीट सैम भाई के जिम में, आयरन स्ट्रीट जिम। और मैं नहीं चाहता कि मैं एक भी टर्न मिस कर दूं, बिकॉज ऑलरेडी 6:07 6:46 हो गया है और दिखा रहा 10 मिनट, यानी कि ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट है। लेकिन लेट मेरी वजह से नहीं, ट्रैफिक की वजह से। इनफैक्ट सैम भाई मुझे लेने आने वाले थे, लेकिन ट्रैफिक इतना था, मतलब भाई जितने देर में आप मुझे ले आओगे उतनी देर में तो मैं आपके पास आ जाऊँगा, तो इट्स ओके, आप मत आइए, मैं आ जाता हूँ। मरीना पहुँच गया, वो बिल्डिंग में भाई ये स्मॉल कार्डियो सेक्शन नहीं, इसमें मैं जितनी भी इंडिया में जिम बन जाते हैं। Different vibe. Maybe India see you. ऑफिशियली बोल रही है, डर इसलिए लगता है क्योंकि मैंने सुना है कि जो पाकिस्तान जाते हैं ना, उसके बाद वो अमेरिका में जाते हैं तो डिफिकल्टी बहुत हो जाती है। मैंने मैं सुना हूँ कि वो इमिग्रेशन में परेशान करती है कि आप पाकिस्तान क्यों गए थे, तो मुझे उसका डर है। वरना मुझे 3 जगह जाना है, एक लाहौर, एक इस्लामाबाद और एक कराची, ये 3 जगह मुझे जाना था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं हमेशा बोलता हूँ। समीर भाई इज द ओनर ऑफ दिस जिम, और ये जिम की सबसे बढ़िया खासियत ये है कि समीर भाई उनको भी अलाउ करते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन पैशनेट है। ऐसे नहीं कि कोई आ गया घुस के मस्ती मजाक करने के लिए, बट अगर कोई पैशनेट है बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है और अगर अफोर्ड नहीं कर पाते जेन्युइनली। और आप बोल रहे हो कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री मेंबरशिप, बहुत बढ़िया।